नमस्कार दोस्तों, सीकेपी सी अड्डा में आपका स्वागत है। दोस्तों चलिए दोस्तों, आज मैं फिर बात करूंगा। आपका 96 पार्ट कंप्लीट हो चुका है, आज 97 पार्ट्स चलाया जाएगा, ठीक है। तो ये चैप्टर जो है किस में से क्वेश्चन चलाया जा रहा है, तो कटिंग टूल्स चलाया जा रहा है, फिल्टर ट्रेड के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो फर्स्ट ईयर हो चाहे वो सेकेंड ईयर हो। दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्या कह रहा है। घुमावदार ग्रुप्स को काटने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है, घुमावदार ग्रुप्स की बात कर रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हाफ राउंड नोज चीजल का प्रयोग करेंगे। यहाँ देख सकते हैं 21 का डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 22 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ देख सकते हैं, मार्किंग उद्देश्य के लिए उपयोग किए जाने वाले हथौड़े का वजन क्या होता है। मार्किंग उद्देश्य के लिए तो 250 ग्राम का सबसे इम्पोर्टेंट होता है, ये कन्फर्म याद करिए। 123 ये कह रहा है कि विकर्ण फाइल की अनुचित तरीके का प्रभाव क्या है, जो विकर्ण फाइल होती है उसका अनुचित तरीका क्या होता है। एक सौ तेईस नंबर का जो रहेगा आंसर आपका हो जाएगा असमान फिनिशिंग सतह। विकर्ण फाइल है तो असमान फिनिशिंग सतह वह तैयार करेगा, असमान फिनिशिंग सतह वह तैयार करेगा। अगला चलते हैं, 124 नंबर क्या कह रहा है। 124 नंबर ये कह रहा है दोस्तों कि आपका वेल्डेड ज्वाइंट और कास्टिंग से अतिरिक्त धात को हटाने के लिए किस छेनी का प्रयोग करेंगे। वेल्डिंग ज्वाइंट और कास्टिंग की बात कर रहा है यहाँ पर, तो 124 का आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा, कौन सा, फ्लैट चीजल जो है आपका सही हो जाएगा। वेल्डेड ज्वाइंट को हटाने के लिए हम फ्लैट चीजल का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 125 नंबर का क्या करें, इस फाइल का नाम बताइए। फाइल आप देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है, फाइल देख सकते हैं, इस फाइल का नाम बताना है आपको। 125 नंबर का क्वेश्चन है, तो रोटरी फाइल इसको कहा जाता है, कौन सा फाइल, तो रोटरी फाइल कहा जाता है इसको, ठीक है। 126 की बात करते हैं, 126 क्या कह रहा है यहाँ पर दोस्तों, फाइल के फेस पर चाक क्यों लगाया जाता है। फाइल के फेस पर चाक क्यों लगाया, चाक इसलिए लगा जाता है कि पेनिट्रेशन और पिनिंग को कम करने के लिए। पिनिंग दांतों में जो फाइल होते हैं हमारे, ठीक है, तो उनमें क्या होता है कि इसमें जो दांते कटे होते हैं उसमें छोटे छोटे पिनिंग कण फंस जाते हैं, ठीक है, तो ये काटना बंद कर देता है, ठीक है, तो उसी को साफ करने के लिए फाइल कार्ड का यूज किया जाता है। तो ये होता है कि पेनिट्रेशन और पिनिंग को कम करने के लिए। अगला 127 देखते हैं क्या कह रहा है, तो 127 ये कहेगा दोस्तों कि फाइन पिच हेक्सा ब्लेड का उपयोग क्या है, फाइन पिच हेक्सा ब्लेड का उपयोग क्या है। ऑप्शन देखते हैं दोस्तों, ये नहीं सारे हो सकते, तो ये हो सकता है कंड्यूट फाइव तथा अन्य पतली ट्यूबों को काटने के लिए, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा आपका, कौन सा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 128 नंबर देखते हैं, M10 × 1.25 के लिए टैप ड्रिल साइज की गणना करें, क्या हो जाएगा, तो 128 नंबर का ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाए, 8.80 भी लगा सकते हैं या 8 लगा सकते हैं, ठीक है, बाकी ये नहीं हो सकता है, ठीक है, 8.8 M 10 × 1.25 के लिए 8.8 मिलीमीटर आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, 129 नंबर, एक ड्रिल में फ्लूट्स के बीच के भाग का नाम क्या होता है। एक ड्रिल में फ्लूट्स के बीच के भाग का नाम क्या होता है, फ्लूट्स के बीच के भाग का नाम पूछ रहा है दोस्तों यहाँ पर, ठीक है, तो 129 नंबर का आपका बी हो जाएगा, वेव हो जाएगा, ठीक है, जो बीच का भाग होता है उसे वेव बोलते हैं। अगला कह रहा है, इस वर्नियर वाइवा प्रोटेक्टर की रीडिंग क्या होगी, ठीक है, कोई चित्र है, वर्नियर वाइवा प्रोटेक्टर का मान पूछ रहा है दोस्तों, तो यहाँ आप निकाल सकते हैं दोनों को करके, ठीक है, तो सिंपल है निकालना इसका, तो इसका मान सीधे जान लेते हैं, 130 का सी हो जाएगा, 157 °30' हो जाएगा, कितना, 157 °30' इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्या कह रहा है हमारा, 131 नंबर क्वेश्चन चलेंगे, बाहरी माइक्रोमीटर का कौन सा भाग मापने की सतह के बीच एक समान दबाव सुनिश्चित करता है। बाहरी माइक्रोमीटर की बात कर रहा है, 131 का रैचेट स्टॉप जो हो जाएगा बिल्कुल सही है, एक समान दाब
एक समान दाब या दबाव को सुनिश्चित करता है तो रैचेट स्टॉप सुनिश्चित करता है। कौन करता है? तो रैचेट स्टॉप सुनिश्चित करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला 132 की बात करेंगे। वनियर हाइट गेज का कौन सा पार्ट मुख्य स्लाइड का एक इंटरग्रल पार्ट है? 132 नंबर का ऑप्शन जो हो जाएगा वो ये हो जाएगा, जा होता है। 132 नंबर के ऑप्शन जो हो जाएगा वो क्या होगा? जा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन चेक करते हैं। 133 नंबर, माइक्रोमीटर का सिद्धांत क्या होता है? सिद्धांत क्या होता है? 133 नंबर का बी हो जाएगा स्क्रू और नट हो जाएगा। नट बोल्ट भी बोलते हैं सब और स्क्रू भी अलग बोलते हैं। ठीक है, बाकी सारा क्या है? गलत है। 133 का बी ऑप्शन सही होगा। अगला 134 पे चलते हैं। डेप्थ माइक्रोमीटर द्वारा ज़्यादा रेंज की गहराई को कैसे मापा जा सकता है? डेप्थ माइक्रोमीटर के द्वारा तो एक्सटेंशन राड को एक सीट के द्वारा मापा जा सकता है। किसके द्वारा? एक्सटेंशन राड के एक सीट के द्वारा मापा जा सकता है। अगला 135 नंबर क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। क्या कह रहा है 135? ये कह रहा है कि इंच माइक्रोमीटर में इसकी रीडिंग क्या होगी। ये इंच माइक्रोमीटर है, इसका रीडिंग बताना है। तो इसका रीडिंग सिंपल होता है दोस्तों, जिस प्रकार से मैं वीडियो बनाया हूँ उसमें जाके एक बार देख सकते हैं। 135 नंबर का आपका आंसर मैं बताता हूँ, 0.787 हो जाएगा। कितना? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 135 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों। क्या कह रहा है? मापने के दौरान बेवल प्रोट्रैक्टर का कौन सा हिस्सा इंक्लाइंड सतह के कांटेक्ट में होता है? किसके? इंक्लाइंड सतह के कांटेक्ट में होता है। तो 136 नंबर का सी ऑप्शन जो रहेगा, ब्लेड जो होता है वह इंक्लाइंड सतह से कांटेक्ट में होता है। ठीक है, अगला 137 नंबर के क्वेश्चन की बात करते हैं। 137 ये कह रहा है कि ड्रिलिंग मशीन में कौन सा भाग विभिन्न गति प्राप्त करने के लिए किया जाता है? तो 137 का हो जाएगा सी हो जाएगा, स्टेप पुल्ली हो जाएगा। विभिन्न गति का स्टेप पुल्ली का बात करेंगे तो किस प्रकार से? ये पुल्ली, दूसरा पुल्ली, तीसरा पुल्ली, चौथा पुल्ली, पांचवा पुल्ली, और इसमें बेल्ट लगा होता है। इधर भी एक पुल्ली, दो पुल्ली, तीन पुल्ली, चार पुल्ली, पांच पुल्ली, ये बेल्ट इसमें आराम से आगे पीछे करके हम इसमें चला सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है 137 का सी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा, स्टेप पुल्ली। 137 के बाद 138 पे चलते हैं। पेडेस्टल ग्राइंडर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या होगा? 138 में ये जो चिन्ह का भाग नाम बता रहा है तो टूल रेस्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, क्या है? टूल रेस्ट हो जाएगा। ये पेडेस्टल ग्राइंड है दोस्तों, या देख सकते हैं आप ध्यान से। ठीक है, पेडेस्टल ग्राइंड है, टूल रेस्ट के लिए वो लगाया जाता है। ठीक है, 139 नंबर की इस फाइल का नाम बताना है। 139 नंबर क्या कह रहा है? 139 का बी हो जाएगा, रास्पकट फाइल हो जाएगा। कौन सा फाइल इसको बोलेंगे? तो रास्पकट फाइल बोलेंगे। कौन सा फाइल? रास्पकट फाइल बोलेंगे। 140 नंबर क्या कह रहा है? 140 नंबर, अगर वाइस का हैंडल को ज़्यादा टाइट कर दिया जाए तो क्या होगा? 140 का जो हो गया क्या होगा? स्पिंडल की क्षतिग्रस्त हो जाएगी, टूट जाएगा भाई, और क्या होगा? क्षतिग्रस्त हो जाएगा। कौन सा कैलिपर आयामों को फाइन एडजस्टिंग प्रदान करता है? कौन सा कैलिपर आयामों को फाइन एडजस्टिंग प्रदान करता है? तो 141 का जो ऑप्शन रहेगा वो आपका स्प्रिंग ज्वाइंट कैलिपर रहेगा। क्या रहेगा? स्प्रिंग ज्वाइंट कैलिपर रहेगा। 142 नंबर चलते हैं। क्या कह रहा है कि बड़े क्रॉस के सेक्शन एरिया को काटने के लिए किस मेटल की कटिंग सा का उपयोग किया जाता है? ठीक है, बड़े की बात कर रहा है तो 142 नंबर का हो जाएगा आपका सर्कुलर सा मशीन, एक आता है उसका यूज करेंगे। ठीक है, सर्कुलर सा मशीन का यूज करते हैं। 143 नंबर क्या कह रहा है? मार्किंग टेबल को कास्ट आयरन से क्यों बनाया जाता है? मार्किंग टेबल को कास्ट आयरन से क्यों बनाया जाता है? स्वयं लुब्रिकेशन के लिए, कास्ट आयरन में स्वतः के लुब्रिकेशन होते हैं दोस्तों। इस गेज का नाम बताइए, सिंपल है दोस्तों, एकदम फटाफट बता सकते हैं आप। ठीक है, वेवल गेज हो जाएगा दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। पहला वेवल गेज हो जाएगा दोस्तों। 145 नंबर का क्वेश्चन, केस फाइल का उपयोग डाई और मोल्ड के निर्माण के लिए उपयोग किया जाता है? किस फाइल का 145 नंबर का ये हो जाएगा, रोटरी फाइल का। किस फाइल का? तो रोटरी फाइल का उपयोग किसके लिए? किस फाइल का उपयोग डाई और मोल्ड के निर्माण के लिए उपयोग किया जाता है? तो रोटरी फाइल के लिए ही किया जाता है। किस फाइल के लिए? तो रोटरी फाइल के लिए किया जाता है। कौन सा क्वेश्चन है? 145 नंबर का क्वेश्चन है। चलिए अगला देख, 146 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइल के दांतों के बीच फंसी धात को, चिप्स को हटाने की विधि को क्या कहते हैं? 146 नंबर का सी हो जाएगा, कांपर स्ट्रिप बोलेंगे दोस्तों। क्या बोलेंगे?
कहाँ पर स्ट्रीप बोलेंगे, ये आपका 146 नंबर का बिल्कुल सी सही करेक्ट है दोस्तों। अगला 147 क्या कह रहा है कि जिसमें फाइलिंग छोटे छोटे कार्य जिसमें फाइलिंग या ड्रिलिंग की आवश्यकता अधिक होती है उनको पकड़ने के लिए किस वाइज का उपयोग किया जाता है, किस वाइज का उपयोग करेंगे। 147 का आपका 147 का क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन देखते हैं, टूल मेकर डाई हो जाएगा। क्या है, टूल मेकर डाई नहीं वाइस हो जाएगा, टूल मेकर वाइस। उनको पकड़ने के लिए किस वाइस का प्रयोग करते हैं, तो टूल मेकर वाइस का हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 148 आ रहा है, 148 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, 148 किस हेक्सा ब्लेड का उपयोग घुमावदार रेखाओं के साथ काटने के लिए किया जाता है, किस हेक्सा की बात कर रहा है। तो 148 जो है लचीला ब्लेड जो है किसका, घुमावदार रेखाओं के साथ काटने के लिए हम लचीला ब्लेड का यूज करते हैं। 148 नंबर का सी, 148 का सी सही होगा। 149 में चलते हैं, 149 क्या कह रहा है, ठीक है, किस छेनी का उपयोग कीवे काटने के लिए किया जाता है। 149 का बी हो जाएगा, क्रॉस कट चिजल या छेनी की बात करेंगे, क्रॉस कट चिजल या छेनी की बात करेंगे, ठीक है। 150 नंबर, हथौड़े में चीनी अक्षित भाग का नाम बताना है। 150 का ये जो है आपका यही बताना है, तो 150 में ये जो होता है पेन होता है या पिन होती है, ठीक है। आप देख सकते हैं हैंडल है, पोल है, फेस है, चीक है, आई होल है, वेज या पचरी बोलते हैं, ऊपर का पेन है या पिन बोलते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो हैमर होते हैं आपके 250 ग्राम में सबसे अधिकतर पाए जाते हैं, कितने, 250 ग्राम में सबसे अधिकतर पाए जाते हैं, और इसका प्रयोग भी हम आम वर्कशॉप में सबसे ज़्यादा करते हैं, मार्किंग के लिए भी करते हैं, और किसी जॉब को, छोटे मोटे जॉब को या रिविटिंग वीटिंग करने के लिए ही हम बॉल पेन हैमर का यूज करते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अगले वीडियो मिलते हैं, नमस्कार दोस्तों।